गाइज, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी फोटो को आप उसको मूवी पोस्टर जैसा लुक कैसे दे सकते हो या फिर मूवी पोस्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी फोटो को। और मूवी पोस्टर भी ऐसा मूवी पोस्टर जो बॉलीवुड में बनते हैं, पूरा का पूरा आपको ऐसा लगेगा कि बॉलीवुड का ही मूवी पोस्टर है। इस वीडियो में मैं वही सारे की सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आप किसी भी रैंडम सा फोटो को मूवी पोस्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो गाइज, इस पोस्टर को बनाने के लिए मैंने जो पिक्चर यूज़ किया है वो ये पिक्चर है हमारे पास। ये एक पिक्चर है, नॉर्मल सा पिक्चर है। ये निकॉन D750 कैमरा शूट हुआ है और इसमें लेंस 7200mm का लेंस इसमें यूज़ हुआ है। ठीक है, इस फोटो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ। हल्का सा मैं इसका कलर को थोड़ा पॉप कर दूंगा हल्का सा, और क्लियरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा, और इसको मैं थोड़ा वार्म टोन की तरफ लेके चलूंगा। तो ये कुछ इस टाइप का आप दिख रहा है। ठीक है, अब सीधा इसको हम फोटोशॉप में लेके चलते हैं। इसका बैकग्राउंड रिमूव करने से पहले हमें कुछ चीज़ें इसमें करनी पड़ेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल फेस की थोड़ी लाइटिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो मैंने डॉज टूल पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो डॉज टूल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसका जो एक्सपोजर है मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, अराउंड 30-28%, और फेस पे लाइट इंक्रीज कर दो हल्का हल्का सा। ठीक है, स्किन जहाँ जहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा लाइट इंक्रीज कर दो। तो गाइस, जैसे मैं लाइट इंक्रीज किया तो ये कुछ इस टाइप का आप दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम सिंपल सा इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंपल सा इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है, जो कि अब कुछ इस टाइप से दिखता है। ठीक है, उसके बाद मैं कंट्रोल एन करूँगा, जिसमें न्यू डॉक्यूमेंट लूँगा, सीधा पोस्टर बनाने के लिए लेके चलते हैं। और मैं इसका साइज कर दूंगा, इसका जो विड्थ है अराउंड 2000 के आसपास विड्थ लेता हूँ, और 2500 के आसपास मैं इसका हाइट ले लेता हूँ। अब सीधा का सीधा फोटो को इसके ऊपर मूव कर देते हैं, जो हमने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है इसको मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ। ठीक है, अब कंट्रोल टी प्रेस करके हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे कि हमें ये इसको कहाँ पे फिट करना है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो क्या यहाँ पे जो मैंने दो पिक्चर डाउनलोड किया है, ये एक सिंपल सा सनसेट का पिक्चर है और ये आपका एक स्काई का पिक्चर है, जो कि मैंने शटरस्टॉक से इसको डाउनलोड किया हुआ है, मेरे पास पेड अकाउंट है वहाँ का वहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम सीधा के सीधा फोटोशॉप में लेके चलते हैं। सबसे पहले हमें क्रिएट करना है इसका बेस। तो गाइस, ये बेस वाली पिक्चर को सबसे पहले हम फोटोशॉप में लेके जाएंगे और मैंने यहाँ पे सिंपल सा इसका बेस क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हाँ ये दोनों यहाँ पे घूम रहे हैं। ठीक है, तो मेरे माइंड में कुछ ऐसा थीम आ रहा है कि ये दोनों यहाँ पे ऑलरेडी घूम रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस पिक्चर को जो मेन इमेज है उसको हल्का सा कंट्रोल टी प्रेस करके हल्का सा छोटा कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं मास्किंग का यूज़ करूँगा। सिंपल से मैंने यहाँ मास्क किया और यहाँ पे मैंने ब्रश टूल लिया और मैंने नीचे से पेंट करना स्टार्ट किया, तो ये यहाँ से गायब होने लगा। ठीक है, तो गाइस आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा गायब हो रहा, तो आप इसको ऊपर वाइट सेलेक्ट करके आप इसको वापस भी ले आ सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और मैंने फिर से ब्लैक सेलेक्ट किया और इसकी ब्रश साइज मैंने थोड़ा छोटा कर लिया और मैंने कुछ इस टाइप से यहाँ तक कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ब्रश का जो स्टाइल है वो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। ये यहाँ पे ग्रास वाला ब्रश होता है, वो मैं ग्रास वाला ब्रश यहाँ पे ले रहा हूँ और मैं हल्का हल्का सा सिर्फ यहाँ पे मिटा रहा हूँ, यहाँ पे मास्क कर रहा हूँ हल्का हल्का सा। ठीक है, जो कि एक ग्रास जैसा आपको यहाँ पे फील देना स्टार्ट हो जाएगा कि ये दोनों इसके बीच में ही घूम रहे हैं। तो गाइस, मास्किंग में जो हमने ये टूल सेलेक्ट करके इसमें अब थोड़ा थोड़ा ऐसा फील आ रहा है कि ये दोनों यहीं पे है, यहीं पे ये दोनों घूम रहे हैं। ठीक है, आपको लगे तो आप इसके पिक्चर को और थोड़ा छोटा कर सकते हो कि आप ये यहाँ पे रियल लगे, कि बैकग्राउंड के हिसाब से ये लगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको इतना कर दिया। अब हमें यहाँ पे दूसरा इमेज लेके आना है, जो यहाँ पे दूसरा इमेज है। फिर सिंपल सा डेस्कटॉप पे जाता हूँ क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है, और मैं यहाँ पे सेकंड इमेज मैंने यहाँ पे ले आया। ठीक है, ओके, तो सेकंड इमेज लाने के बाद मैंने थोड़ा सा इसका साइज को इंक्रीज कर दिया है और मैंने यहाँ पे इसको इसके इमेज के नीचे ले गए। ठीक है, इमेज के नीचे ले जाने के बाद मैंने थोड़ा सा और इसको यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। सनसेट को सनसेट से जस्ट मैच कराना है कि कलर थीम यहाँ पे सेम बने। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सनसेट हो रहा है और ये सन यहाँ पे है, तो इसको बस मुझे मैच कराना है कि हाँ यहाँ का जो कलर का जो थीम है वहाँ पे सेम बने जब हम इसको बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। ठीक है, अब फिर मैंने यहाँ पे मास्क किया और मैं यहाँ पे इसको भी नीचे से इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा रिमूव कर दूंगा। थोड़ा सा मैंने साइज यहाँ पे इंक्रीज कर लिया, थोड़ा सा और यहाँ पे साइज इंक्रीज कर लेता हूँ कि देखने में थोड़ा सही लगे। ओके ओके, तो गाइज ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चलो रियल, थोड़ा थोड़ा रियल जैसा ये फील हमें देने लग गया है। ठीक है, उसके बाद जो हमें इस पिक्चर पे थोड़ा सा वर्क करना है, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो हम इसको नए टैब में ओपन कर लेंगे और इसको मैं हल्का सा यहाँ पे डॉज टूल पे जाकर हल्का सा इसको बर्न करूँगा, जो इसका डार्क एरिया है उसको हल्का सा और डार्क करूँगा कि ये
रियल फील हमें दे कि हाँ ये सनलाइट के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। फिर इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो ये आपका यहाँ भी ये सेव हो गया। अब यहाँ देख सकते हो डार्क एरिया थोड़ा और डार्क हो गया, लाइट एरिया को मैंने थोड़ा वैसा का वैसे छोड़ दिया, तो अब थोड़ा थोड़ा ये ठीक लग रहा है, जो कि सन का रिफ्लेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस अब यहाँ तक हमने कर लिया, अब हमें क्या है, सनसेट है तो इनके फेस पे भी थोड़ा सा सन का इफेक्ट आना चाहिए। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में ये चीज़ कर चुका हूँ, यहाँ भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे न्यू लेयर लेंगे, उसके बाद ब्रश टूल पे जाएंगे और ब्रश टूल पे जाके सन में जो कलर यहाँ पे है वो कलर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो कि इस टाइप का कुछ कलर है, मैंने फर्स्ट कलर यहाँ से। तो गाइस फर्स्ट कलर जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो मैं यहाँ पे येलो टोन में ले रहा हूँ, और सेकंड कलर व्हाइट ले रहा हूँ, लेकिन व्हाइट का ना ब्रश का साइज मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि अब कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ठीक है, अब इसको मैं क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो ये इसके अंदर चला गया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ कि लाइट ये एक्चुअली लाइट किधर से आ रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका लेयर मोड यहाँ पे चेंज करता हूँ, देखता हूँ कि कहाँ पे हमें रियल फील दे रहा है कि जैसा है वैसा ही लगे। ओके, तो हमें यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा रियल फील दे रहा है कि हाँ ये सनलाइट किधर से ही आ रही है, तो मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। अब मैं थोड़ा सा इसका मैंने ओपेसिटी हल्की सी डाउन कर दूँ कि ये इमेज का क्वालिटी वो डल ना करे, तो ये हमें कुछ इस टाइप से अब हमें कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा अब आपको मूवी का फील, मूवी पोस्टर जैसा फील आना स्टार्ट हो गया होगा, जो कि बहुत हमने सिंपल स्टेप से किया। एक हमने बैकग्राउंड रिमूव किया, उसके हिसाब से मैंने एक पिक्चर लिया है और थोड़ा सा कलर मैच कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ ये देखने में और सही लगे। ठीक है, तो इतना इतना करने के बाद अभी थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, नीचे वाला एरिया को मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डार्क कर दूँ, तो मैं यहाँ पे न्यू लेयर फिर से लूँगा और मैं यहाँ ग्रेडियंट टूल पे जाऊँगा और शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट ड्रॉ कर दिया, जो कि अब कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि अब देखने में थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। गाइस अब मुझे यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, अब मुझे थोड़ा सा कलर करेक्शन करना है इसके ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधे जाऊँगा, यहाँ पे गए और मैंने यहाँ पे ले लिया कलर बैलेंस, सीधा मैं कलर बैलेंस लूँगा और इसको मैं रेड की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा कर दूंगा, हल्का सा रेड की तरफ लेके जाऊंगा कि सनसेट है तो यहाँ पे रेड और येलो का मिक्स करने वाला हूँ, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे येलो की तरफ कर दिया, जो कि एक पूरा में एक टोन आ गया कि हाँ ये यहीं पे यहीं की पिक्चर है। और ग्रीन टोन हल्का सा इंक्रीज कर दिया कि बहुत अच्छा सा एक सिनेमेटिक फील आ जाए, मैंने हल्का सा यहाँ पे ग्रीन टोन इंक्रीज कर दिया। अब मुझे लग रहा है रेड ज़्यादा है, तो आप रेड थोड़ा सा कम कर सकते हो और येलो को भी थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, जो कि अब इस टाइप से लग रहा है, अगर येलो को ब्लू तरफ लेके जाओगे तब भी ये काफ़ी सही लगेगा, लेकिन मैं हल्का सा इसको येलो पार्ट पे ही रखता हूँ। ठीक है, तो हमारा अब पोस्टर जैसा लुक यहाँ पे आप देख सकते हो, अब पोस्टर जैसा लुक आना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुका है। ऑफ कोर्स यार हम इस पे जितना ज़्यादा वर्क करेंगे वो इतना उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा, उतनी डिटेल में बनेगा, जितना डिटेल में हम जाएंगे वो उतना अच्छा बनेगा, लेकिन हमें इसको मैं आज जैसे आपको सिखाने के लिए मैं इसको बना रहा हूँ, तो हम उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, नहीं तो वीडियो ये 4-5 घंटे की बन जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब इसको थोड़ा थोड़ा अब ये सही लग रहा है मुझे, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करूँगा, मैं यहाँ पे एक लेवल ऐड करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लेवल पे गया और मैंने यहाँ पे हल्का सा लेवल इसका इंक्रीज़ कर दिया और हल्का सा इसका लाइट टोन बढ़ा दिया, जो कि अब ये कुछ इस टाइप से हमें दिख रहा है। इस पोस्टर के पीछे जो मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट चल रहा था वो मैं जैसे ही मूवी का नाम लिखूंगा आप समझ जाओगे कि ओके ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट ये था। ठीक है, मैं सिंपल एक मूवी का नाम लिखने वाला हूँ, आप समझ जाओगे कि ये पोस्टर का आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। गाइस सीधा मैं फॉन्ट पे गया और मैंने यहाँ पे लिख दिया दी, ये जो फॉन्ट यहाँ जो सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे है जूलियन करके एक फॉन्ट है, जूलियन करके एक फॉन्ट है वो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल दी, और दी में थोड़ा सा स्मॉल लिखता हूँ क्योंकि अब कुछ इस टाइप से दिखता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रिप, ओके तो मैंने यहाँ पे लिख दिया द ट्रिप। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा मैंने इसको बीच में सेंटर में यहाँ पे रख दिया, तो ये कुछ अब इस टाइप से अब हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो गाइस जैसे ही मैंने यहाँ पे मूवी का नाम लिखा द ट्रिप, इसका मतलब ये किसी ट्रैवल मूवी का पोस्टर हो सकता है, या ट्रैवल सॉन्ग का या ट्रैवल शॉर्ट मूवी का ये पोस्टर हो सकता है। और यहाँ पे सारा का सारा कॉन्सेप्ट भी सेम लग रहा है कि बढ़िया सा सनसेट है, नेचर है, बढ़िया सा स्काई है और ऊपर लिखा हुआ है द ट्रिप, इसका मतलब पूरा का पूरा समझ आ रहा है कि किसी ट्रैवल मूवी का, डॉक्यूमेंट्री का या सॉन्ग का या शॉर्ट मूवी का पोस्टर ये हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा काम है ये है यहाँ पे एक टैगलाइन लिखना,
तो अब नेक्स्ट जो काम है वो है यहाँ पे टैगलाइन लिखना, जिसके ये सारी की सारी मूवी का कॉन्सेप्ट समझ आया कि मूवी है क्या। ठीक है, तो मैंने टैगलाइन यहाँ पे ऑलरेडी एक सोच रखा है, जो सिंपल सा मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो गाइस ये फॉन्ट जो है माई अंडरवुड करके एक फॉन्ट है, वो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और मैंने सिंपल सा यहाँ पे एक टैगलाइन लिख दिया। आप टैगलाइन देख के समझ जाओगे कि ये पूरी की पूरी ट्रैवल ट्रिप के ऊपर मूवी बेस्ड है। तो गाइस जैसे मैंने यहाँ पे टैगलाइन ऐड किया, आप टैगलाइन पढ़ के आप समझ सकते हो कि पूरी की पूरी मूवी ट्रैवल पे बेस्ड है और ट्रैवल के रिलेटेड ही ये पूरी की पूरी मूवी है। एक टैगलाइन का भी रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप मूवी का पोस्टर बनाते हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक टैगलाइन लिख दिया जो कि एक ट्रैवल और एडवेंचर से रिलेटेड टैगलाइन है, और मैंने यहाँ पे एक मूवी का नाम लिख दिया और ये पिक्चर है और ये सनसेट का बढ़िया सा एक फील दे रहा है। अब आप इसके अंदर नीचे जैसे ही क्रेडिट ऐड करोगे, ये सारा ये पूरा का पूरा आपका मूवी पोस्टर जैसा फील देने लग जाएगा। के लिए गाइज मैंने एक क्रेडिट ऑलरेडी इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा हुआ है, सिंपल सा यहाँ पे जस्ट मैं इसको प्लेस करूँगा और बस इसको सही जगह पे आपको प्लेस करना है। तो यहाँ पे मैं बॉटम में इसको प्लेस कर रहा हूँ, और जैसे मैंने अब यहाँ प्लेस किया, आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा एक मूवी पोस्टर का फील देना स्टार्ट हो चुका है, वो भी एक ऐसा मूवी पोस्टर जिस टाइप का बॉलीवुड में मूवी पोस्टर आप देखते हो। अगर आप चाहो तो इसमें लट्स का भी यूज़ कर सकते हो, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, एक अलग ही टोन आ जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर जा रहा हूँ कलर लुकअप पर जाऊँगा, और मैंने यहाँ पर जो लट्स ऑलरेडी है यहाँ पर वो यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ अगर किसी में सही लगेगा तो हम उसको रखेंगे, नहीं तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि ये वाले लट्स भी आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट सा फील दे रहा है, और उसने कलर कम कर दिए हैं लेकिन ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक पूरे के पूरा बढ़िया सा एक फील दे रहा है। और भी बहुत सारे इसमें लट्स हैं, ये लट भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील दे रहे हैं, बस आपको इसमें थोड़ा सा कलर बैलेंस करना है। इसमें येलो टोन ज़्यादा हो गया, तो आप कलर बैलेंस में जाके आप इसका इस तरफ इसको लेके जाओगे, ब्लू टोन की तरफ हल्का सा मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, और जो लट का जो ऑपेसिटी है वो मैं यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। तो अब ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। तो गाइस जैसे मैंने यहाँ पे क्रेडिट टेक्स्ट ऐड किया, अब ये पूरा का पूरा एक मूवी पोस्टर जैसा फील देना स्टार्ट हो गया। तो गाइस इस फोटो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करने वाला हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से पोस्टर बना सकते हो। मैंने यहाँ पे एक ट्रैवल का थीम लिया है, आप किसी और चीज़ का भी थीम यहाँ पे ले सकते हो। और अगर आप कोई पोस्टर बनाते हो तो यार मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करो, मैं देखना चाहता हूँ कि आप किस तरह के पोस्टर बना रहे हो। और फिर मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू सो मच।